तो दोस्तों, अगर आपने भी मोटो व्लॉगिंग के लिए इंस्टा 360 1x2 कैमरा ले लिया है और कन्फ्यूजन में है कि गोप्रो की तरह कैसे रिकॉर्डिंग किया जाए यूजिंग इंस्टा 360 1x2, तो दोस्तों इस मोटो व्लॉगिंग का सेटअप मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैंने किया है। और उस वीडियो में एक्चुअली दो क्वेरीज थी जिसका आज मैं तो आंसर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा वीडियो होगा। पहली क्वेरी थी कि वीडियो का फुटेज क्लियर नहीं है, तो रीज़न ये था कि शाम के 5:30 बज गए थे और ठंडी का महीना था तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो लो लाइट की वजह से वीडियो क्लियरिटी कम हो गया। और दूसरा रीज़न था कि मैंने इंस्टा 360 ऐप का जो कलर प्लस मोड होता है उसे यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से वीडियो और ख़राब हो गया था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर इंस्टा 360 1x2 40,000 में आ रहा है तो GoPro 9 क्यों ना ले लिया जाए। बात तो सही है, GoPro 9 हेलमेट माउंट के लिए बेस्ट कैमरा है, या फिर GoPro का कोई भी कैमरा हेलमेट माउंट के लिए बेस्ट कैमरा है, मगर इंस्टा 360 भी कम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। एक तो ये स्टडी कैम मोड में भी रिकॉर्डिंग करेगा, 1440p का मैक्स रेजोल्यूशन देता है, हालांकि GoPro की टक्कर में थोड़ा कम रेजोल्यूशन है मगर YouTube के लिए ठीक है, और 1080p में 360 डिग्री वीडियो। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन तो स्टडी कैम ऑप्शन है जो कि GoPro की तरह रिकॉर्डिंग करेगा, और सेकंड ऑप्शन है 360 डिग्री कैमरा जिसमें बहुत सारे फीचर है, अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो देख सकते हैं, बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे इसमें क्रिएटिविटी के ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपको दोनों फ़ायदा हो जाएगा सेम प्राइस में। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको कुछ फुटेज बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट 6:15 बज गए हैं शाम के, आप देख सकते हैं सूरज ढलने को है, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मुझे कुछ फुटेज बनाना है। तो सबसे पहले हम कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं ये स्टडी कैम मोड है, तो आप देख सकते हैं स्टडी कैम में आपको 150 डिग्री वाइड एंगल रिकॉर्डिंग और 1440p एट 50fps का रिकॉर्डिंग मिल जाता है। तो चलिए पहले हम स्टडी कैम मोड में रिकॉर्डिंग करते हैं और फुटेज आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये कैमरे का डिस्प्ले जो आगे की तरफ मैंने लगाया, उसका रीज़न ये है कि ये जो बटन है ये रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का बटन है, तो ये आगे की तरफ रहेगा तो आपको ये ऑन ऑफ करने में इजी रहेगा, तो आपको डायरेक्ट ये बटन दबाना है जिससे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो क्योंकि स्टडी कैम मोड में अगर रिकॉर्डिंग करना है तो पहले कैमरे को ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हेलमेट की रिकॉर्डिंग होगी, बाय डिफ़ॉल्ट पीछे वाला कैमरा यूज़ हो जाता है स्टेडी कैम मोड में, क्योंकि डिस्प्ले इस तरफ दिया गया है तो ऑब्वियसली पीछे का कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है, तो इसे हमें पहले फ्रंट कैमरे में लेना होगा और उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो चलिए स्टेडी कैम मोड में रिकॉर्डिंग करते हैं। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। गणपति बाप्पा मोरिया, हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये है स्टेडी कैम मोड की रिकॉर्डिंग, इंस्टा 360 1x2 स्टडी कैम, यानी कि एक सिंगल कैमरे का यूज़ होता है, या फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, क्योंकि ये 360 डिग्री कैमरा है तो इसके अंदर दो कैमरे दिए गए हैं, तो आप किसी भी एक कैमरे का यूज़ करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था वो शाम के समय डाला था, ठंडी का मौसम था इसीलिए जल्दी अंधेरा हो गया था, 5:30 बजे के बाद वो वीडियो मैंने बनाया था। आज भी अभी देख सकते हैं 5:45 हो रहे हैं शाम के, मगर सूरज देवता अभी काफ़ी ऊपर है, मई का महीना है, 7 बजे तक उजाला रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। होप इस वीडियो में क्लैरिटी अच्छी होगी, उस वीडियो की तरह मतलब लो लाइट की वजह से वीडियो क्वालिटी ख़राब नहीं आ रही होगी। एक बहुत अच्छा सा रोड मिल गया मुझे वीडियो बनाने के लिए, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, होप साउंड अच्छा रिकॉर्ड हो रहा होगा और 1440p एट 50fps पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और स्टेबिलिटी तो खैर नंबर 1 है आज के डेट में, होप उसका स्टेबलाइजेशन भी अच्छा ही होगा। तो चलिए अब स्टडी कैम को बंद करता हूँ और 360 डिग्री वीडियो में फुटेज रिकॉर्ड करता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने 1440p का रिकॉर्डिंग देखा और स्टडी कैम मोड का वो रिकॉर्डिंग था, अब हम इसे 360 डिग्री व्यू में डाल देते हैं। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू हो गया है, अब चलिए 360 डिग्री वीडियो भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है
ये 360 डिग्री मोड में रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको हेलमेट को यहाँ वहाँ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपने कुछ मिस कर दिया देखने के लिए, तो पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के वक्त आप रीफ्रेमिंग करके उस जगह की वीडियो दिखा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, तो मुझे वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं वीडियो में एडिटिंग करते वक्त आपको क्लियरली दिखा दूंगा। लेफ़्ट का कुछ दिखाना है तो लेफ़्ट, सामने का, राइट, मतलब कोई भी एंगल का आप दिखा सकते हैं रीफ्रेमिंग करके, जब आप वीडियो एडिट कर रहे होंगे उस समय पे। एक ही प्रॉब्लम इसमें ये है कि पीछे का आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपका हेलमेट ही दिखेगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। बैक कैमरा से केवल आपका हेलमेट ही रिकॉर्ड हो रहा होगा फ़िलहाल इस वक्त 360 डिग्री मोड में। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सामने दिखाने के लिए आपको हेलमेट ऊपर नीचे आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, आप एडिटिंग करते वक्त दिखा सकते हैं। तो एक और क्वेरी था, एक भाई ने कहा था कि अगर 40,000 का इंस्टा 360 1X2 लेंगे तो उससे बेटर है कि GoPro 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हेलमेट माउंट और मोटो व्लॉगिंग के लिए GoPro कैमरा सबसे बढ़िया है। लेकिन इन केस मेरे जैसे लोग जिन्होंने ये कैमरा ख़रीद लिया है इंस्टा 360 1X2, वो क्या करें? तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ख़रीद लिया है इंस्टा 360 1X2 और पछता रहे हैं कि यार हेलमेट में मैं कैसे माउंट करूँगा और मोटो व्लॉगिंग कैसे करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, और जो प्लानिंग कर रहे हैं इंस्टा 360 1X2 कैमरा ख़रीदने का मल्टीपर्पज़, यानी कि उनका रेगुलर रिकॉर्डिंग भी हो जाए, जैसे कि आप ऑन द गो व्लॉगिंग तो ईजिली कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। कैसे, वो आप देख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी और आपको दिखा रहा हूँ। और मोटो व्लॉगिंग का सेटअप अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो पहले ही डाला है इंस्टा 360 1X2 मोटो व्लॉगिंग सेटअप का, तो आप वो जाके चेक कीजिए, आपको सारे एक्सेसरीज़ क्या क्या लगेंगे और कैसे रिकॉर्ड होगा वो सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और बात करें अगर एडिटिंग की, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि इंस्टा 360 1X2 के वीडियोस को कैसे एडिट किया जाता है। तो होप ये वीडियो भी क्लियर आ रहा होगा। हालांकि यहाँ पे डस्ट बहुत उड़ रहा था, एक ट्रक गया था तभी, तो एक प्रॉब्लम ये है कि जब डस्ट उड़ता है तो कैमरे पर चिपक जाता है, तो आप हाथ से उसे साफ़ नहीं कर सकते। अगर हाथ से आप साफ़ करेंगे तो आपके फिंगर के निशान भी आ जाएंगे, और नॉर्मल कपड़े से साफ़ करेंगे तो थोड़ा सा साफ़ होगा, बाकी का रह जाएगा। तो बेटर है कि आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो आता है कैमरा साफ़ करने वाला, वो लेकर रखें। हालांकि इंस्टा 360 1X2 के साथ वो कपड़ा आता है बॉक्स के अंदर ही, तो बस उसे संभाल के रखना है, ताकि ऑन द गो आप हर कुछ मिनट के बाद या आधे घंटे, एक घंटे के बाद आप कैमरे को साफ़ करते रहें, ताकि आपका फुटेज क्लियर आए। क्योंकि 360 डिग्री मोड में सिर्फ आपको एक फ्रेम में 1080p का ही रेजोल्यूशन मिलता है। वो रीज़न इसलिए कि कैमरा तो 5.7K में रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो 360 डिग्री रिकॉर्ड करता है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सब चीज़। तो एक फ्रेम में आपको एट अ टाइम सिर्फ 1080p का रेजोल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये 360 डिग्री मोड पर है, और 5.7K 360 डिग्री में डिवाइड हो जाता है चारों तरफ में। और स्टेडी कैम मोड में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक फ्रेम में एट अ टाइम 1440p का रेजोल्यूशन मिलता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आप चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करने लायक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कुछ आपकी क्वेरी है इंस्टा 360 1X2 कैमरे के बारे में या एडिटिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड, आपको मिलता हूँ एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।